नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको स्पेशल खबर दिखाने वाले हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर करवाते हैं राई, हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं रंग पंचमी पर दर्शन करने माता जानकी और लवकुश की। हम बात कर रहे हैं छोटा करीला धाम की, जो गर्दगंज के पास भरता है। मेला रात भर चलता है, राई नृत्य होता रहता है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट भानपुर से करीला धाम की। रायसेन गर्दगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। एक ऐसा मंदिर जहां मनोकामना पूरी होती है तो कराते हैं राई नृत्य और मां को चढ़ाते हैं झंडा। मनोकामना पूर्ण होने पर करवाते हैं लोक नृत्य राई, हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं रंग पंचमी पर दर्शन करने माता जानकी और लवकुश मंदिर के, और रात भर चलता है राई नृत्य। रायसेन गर्दगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम भानपुर गंज की टेकरी पर स्थित माता जानकी और लवकुश मंदिर पर प्रति वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर 3 दिवसीय यज्ञ एवं विशाल मेले का आयोजन समिति के द्वारा किया जाता है। इस स्थान को मिनी करीला भानपुर गंज के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 24 वर्षों से प्रति वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस स्थान की मान्यता है कि अपनी मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु क्षेत्र सहित दूर दराज से हजारों की संख्या में माता जानकी और लवकुश के दरबार पहुंचकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर झंडा चढ़वाते हैं, साथ ही लोक नृत्य राई के रूप में करवाते हैं। रायसेन जिले में यह एकमात्र स्थान है और मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है, जिसमें हर साल हजारों लोग दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर झंडा चढ़वाते हैं, लोक नृत्य राई करवाते हैं। इस आयोजन में प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से मेले में पर्याप्त व्यवस्था मेला स्थल पर कराई जाती है। गर्दगंज तहसील के भानपुर में मां जानकी का मंदिर है, जिसे लोग छोटा करीला नाम से भी जानते हैं। रंग पंचमी के दिन इस मंदिर पर मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त मां जानकी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं पर जिन लोगों की मनोकामना और मुरादें पूरी हो जाती हैं, वह महिलाएं और राई नृत्य कराते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। उसके बाद मां जानकी को झंडा भेंट करते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया है, विगत 24 वर्षों से यह मेला लगातार चलता जा रहा है, जिसमें हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और मां जानकी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग बाग दूर दूर से यहां पहुंचते हैं। वहीं नितिन श्रीवास्तव ने बताया है कि मां जानकी के मंदिर में जिन भक्तों को जो मुराद पूरी हो जाती है, वह खुशी से लोग यहाँ राई नृत्य कराते हैं। इस राई नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आज पंचमी के दिन यहां पहुंचते हैं। वहीं कोरोना काल में लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर करीला मेला शुरू हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर पर पहुंच रहे हैं। वैसे इस मंदिर को छोटे करीला नाम से भी जाना जाता है। रायसेन गर्दगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।